Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 26th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSats Institute of Information Technology, Virtual Campus. Okay, so it's our 26th lecture and as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture, we talked about isomorphism, isomorphic groups, and of course non-isomorphic groups as well. Okay, so a very brief recap. Isomorphism kya tha? Hamare paas do groups hain, unke darmiyan mein humne ek function define kiya jisko humne sabse pehle kaha ki homomorphism hoga agar ye ek function ho group elements ke upar aur group ke structures dono groups ke ko preserve karta ho. Okay, to ye hamare paas ek homomorphism aa jayega isse. हमने ये कहा कि अगर होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी हो और ऑन 2 भी हो तो हम उसको आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे. इसकी ऑफ कोर्स बहुत सारी डिटेल हमने की थी कि हम ये कंडीशंस क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी कि दो ग्रुप्स के दरमियान में हम कैसे होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं. ओके, तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या हैं? दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उन दोनों के दरमियान आप एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकें. राइट, सो दो ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे अगर उन दोनों के दरमियान हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1-1 भी हो और ऑन 2 भी हो. सो ऐसे दो ग्रुप्स, लेट्स से जी और एच, को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे जिनके दरमियान में हमें आइसोमॉर्फिज्म, एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए कोई सा एक. फिर हमने कहा कि कुछ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं. बहुत कम ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं. ज़्यादातर ग्रुप जो हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं. तो हमने ये अगर प्रूव करना है कि दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान में एक मैप डिफाइन कर देना है. ओके, अब अगर हमने ये शो करना है कि दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं हैं तो फिर कैसे प्रूव करेंगे? ओके, उसके लिए फिर हमने ये देखा कि अगर बाय डेफिनेशन जाएं तो अगर एक भी आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए दो ग्रुप्स के दरमियान में तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे. इसका मतलब यह है कि अगर हमने ये शो करना है कि दो ग्रुप्स नॉन आइसोमॉर्फिक हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके दरमियान में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब ये कि हम उनके दरमियान में कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं जो होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो और ऑन 2 हो. ओके, तो अब दो ग्रुप्स के दरमियान में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस या ये मेथड जो है ये कुछ ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा हमें जब ग्रुप्स को नॉन आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो. ओके, फिर हम कैसे प्रूव करेंगे कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं हैं? मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक अगर होंगे तो उनकी सारी की सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम हो जाएंगी. ओके, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी. तो अगर इसका मतलब यह है कि अगर दोनों ग्रुप्स में एक भी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर एक ग्रुप अबिलियन है तो दूसरा भी अबिलियन होना चाहिए, एक ग्रुप साइक्लिक है दूसरा भी साइक्लिक होना चाहिए. राइट, फिर इसी तरह हमने कुछ और कंडीशंस भी देखी जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एक ग्रुप में अगर एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का तो दूसरे ग्रुप में भी एक एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर 2 का. इसी तरह उसके सब ग्रुप्स के ऑर्डर की हम बात कर सकते हैं. फिर हम उसमें अल्जेब्राइक कुछ इक्वेशंस की बात कर सकते हैं कि एक अल्जेब्राइक इक्वेशन का सोल्यूशन एक ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता उसी अल्जेब्राइक इक्वेशन का सोल्यूशन, फिर भी दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते. तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं. फिर इसके हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, हमने एग्जांपल इस चीज़ की भी देखी कि जब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे, फिर इस चीज़ की भी एग्जांपल देखी हमने कि ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कब नहीं होंगे. ओके, तो हमने फिर एक इसमें बहुत जो फंडामेंटल एग्जांपल है, आपको दो ग्रुप्स पता हैं ऑर्डर 4 के, एक उनमें से है Z4
और एक है वी, इसको हमने कहा था ये है क्लाइन फॉर ग्रुप, ठीक है, क्लाइन फॉर ग्रुप। ओके, जेड फोर और वी को हमने लेके देखा और हमने ये चेक किया कि जेड फोर और वी जो हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हैं, और इसमें हमने आर्गुमेंट ये यूज किया कि जेड फोर जो है वो साइक्लिक है और वी जो है नॉन साइक्लिक है, ठीक है। जेड फोर साइक्लिक है, वी साइक्लिक नहीं है, दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं। इन दोनों की एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी तो ये दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर फोर के आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये हम पहले देख चुके हैं, ऑर्डर वन का आपके पास एक ही ग्रुप होता है, ऑर्डर टू के जो है वो भी एक ही ग्रुप होता है, ऑर्डर थ्री का भी एक ही ग्रुप होता है। हमने ये देखा कि तीन ऑर्डर थ्री के हमने ग्रुप्स देखे थे, एक हमने ए थ्री देखा था परम्यूटेशंस का ग्रुप, दूसरा हमने ये देखा था कि हमारे पास ऑर्डर थ्री का जेड थ्री ग्रुप एग्जिस्ट करता है और फिर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर थ्री का इन जनरल। इन तीनों ग्रुप्स को हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव किया था कि ये तीनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, ये इन तीनों में से कोई भी ग्रुप डिफरेंट नहीं है। तो ऑर्डर थ्री का एक ही डिफरेंट साइक्लिक ग्रुप है, बाकी सब उसके आइसोमॉर्फिक हैं। कोई सा आप ले लें, लेट्स से जेड फोर ले लें, ओके, ऑर्डर जेड थ्री ले लें, सॉरी ऑर्डर फोर का आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप नहीं बल्कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक साइक्लिक है दूसरा साइक्लिक नहीं है। तो अब ऑर्डर फोर के जो ग्रुप्स हैं वो दो हैं, बाकी अभी तक जितने भी हमने ऑर्डर देखे हैं इससे स्मॉलर उनका एक ही ग्रुप है। इससे बड़े जो ऑर्डर्स हैं जैसे ऑर्डर फाइव है, ऑर्डर सिक्स है, और इसी तरह किसी भी जो फाइनाइट ऑर्डर है उसके लिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसके नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप्स हैं वो कितने होंगे, कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो किसी भी स्मॉल इनफ ऑर्डर के लिए हम इसको ज़रूर फाइंड कर सकते हैं, और ये इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन फाइनाइट ग्रुप्स का जो जो डायरेक्शन है उसके उसका एक कंप्लीट डिफरेंट कोर्स बहुत सारी जगहों में पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ ग्रुप फाइनाइट ग्रुप थ्योरी, तो इसलिए हम उस डायरेक्शन में अभी नहीं जा रहे। हमारे पास टाइम भी इस कोर्स में काफ़ी कम रह गया, तो हम इसी डायरेक्शन को आगे लेके चलेंगे और कुछ मजीद रिजल्ट्स करके ग्रुप थ्योरी के ऊपर हम अपना ग्रुप थ्योरी का पोर्शन जो है उसको क्लोज कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह हम दूसरे रिंग्स के पोर्शन पे कुछ देर उसकी बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स बहुत जल्द फिनिश हो जाएगा। ओके, सो जेड फोर और वी जो है क्लाइन फोर ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं, राइट। इस डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद जब हमने कहा कि ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, कब ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं, फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करना स्टार्ट किया था, और हम मैंने आपसे कहा था कि इसको यूज करके हम एक नया ग्रुप बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और इसकी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन इस सेंस में नहीं देखी जिस सेंस में हम अभी डिफाइन करेंगे, और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स ग्रुप्स इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें बहुत सारे नए ग्रुप्स की एग्जाम्पल्स मिलेंगी, उनको यूज करते हुए हम और भी बहुत अच्छी चीजें प्रूव करेंगे आगे जाके। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट है कोसेट्स का। अब कोसेट्स क्या होते हैं, अगर आपके पास एक ग्रुप हो जी और उसका एक सब ग्रुप हो एच, सो लेट जी बी अ ग्रुप एंड यू हैव अ सब ग्रुप ऑफ जी, सो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, सो अगर आपके पास एक ग्रुप हो उसका कोई सा एक सब ग्रुप हो, सब ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ग्रुप के ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई सा ग्रुप हो कोई सा सब ग्रुप हो, फिर हम उन दोनों को यूज करते हुए ये जो सेट्स बनाते हैं, कौन से सेट्स बनाते हैं, आपने सब ग्रुप लिया, सब ग्रुप के ऑल एलिमेंट्स को आप किसी भी एक ग्रुप एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, अगर आपके पास ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन का है, तो आप सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को किसी भी एक ग्रुप एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एक नया सेट आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें, जैसे आपके पास Z एक ग्रुप है, ठीक है, Z आपका एक ग्रुप है, आपने इसका कोई सब ग्रुप लेना है, आप इसका सब ग्रुप ले लें, लेट्स से हम इसका सब ग्रुप ले लेते हैं 2Z,
ठीक है, हमने ये 2z इसका सब ग्रुप लिया, इसके कुछ हम ये इस तरह के सेट्स कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अब सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है, और सब ग्रुप के ऊपर भी ऑफ कोर्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का। तो हमने क्या करना है, ग्रुप में से एक एलिमेंट लेना है। लेट्स से आपने 1 ले लिया ग्रुप में से, ठीक है, ग्रुप में से एक एलिमेंट लेना है, उसको ऐड करना है सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में, राइट। सो 1 प्लस 2z करना है आपने। तो ये सेट कैसा आ जाएगा, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें 0 नहीं आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर इसमें प्लस माइनस 2 था तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। फिर इसमें आ जाएगा 5 और 7 और 9, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। ओके, फिर आपने माइनस 2 में 1 ऐड किया तो आपके पास माइनस 1 भी आ जाएगा, और इसी तरह माइनस 4 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 3, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव ऑड नंबर्स इस सेट में आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर कोई ग्रुप में से एलिमेंट ले लें तो ये आपके पास एक सेट बन गया इस किस्म का। ए टाइम्स एच हमने जब किया है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है। अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का हो जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर कोई और बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यूजली जैसे मैं बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, यूजली जो है हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन का लेते हैं ग्रुप के ऊपर। इसी तरह इसलिए जब भी डेफिनेशन देते हैं उसी मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को यूज करते हैं, लेकिन जब एग्जांपल्स करेंगे, जब बाइनरी ऑपरेशन चेंज करेंगे तो आपको उसमें बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो अब इसके अलावा अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ जेड में से, लेट्स से 0 ले लूँ, अब 0 इसमें ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही सेट वापस आ जाएगा, राइट। सो 2z ही आ जाएगा। कोई और ले लें, लेट्स से 2 ले लें, तो 2 लेने से आप चेक करेंगे क्या आएगा हमारे पास, और इसी तरह 2 से एलिमेंट्स लेके चेक करते रहें आपके, इससे हमारे पास जो रिजल्टिंग सेट्स हैं वो क्या आते हैं। अब ये जो इस तरह मैं सेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इनको मैं कह रहा हूँ ये को सेट्स हैं। अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलिमेंट ग्रुप के को तो उसको मैं लेफ्ट को सेट कह देता हूँ, अगर राइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसको राइट को सेट कह देता हूँ। अब इसकी एक एग्जांपल अगर आप और देखना चाहें, लेट्स से आप कोई और ग्रुप ले लें, मे बी आप ग्रुप ले लें S3, ठीक है। तो S3 में आपको बताया कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 1 2 3 है, और 1 3 2 है, और 1 2 है, 1 3 है, और 2 3 है, ठीक है। ये एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके S3 के अंदर। ओके, अब इसमें आपने अगर एक सब ग्रुप लेना है, लेट्स से H हम इसमें से ले लेते हैं, और 1 और मे बी 1 2, एक सब ग्रुप है इसके अंदर, राइट। अब इस सब ग्रुप के कुछ को सेट्स फाइंड करना चाह रहा हूं मैं। ओके, सो अगर मैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लूं, स्टार्ट में आइडेंटिटी टाइम्स H करूं, अब यहां पे बाइनरी ऑपरेशन जो है कंपोजिशन का है, ठीक है। तो वो मैंने अगर आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से कंपोज करूंगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा और फिर 1 2 आ जाएगा, तो ये एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं इसमें 1 2 3 ले लूं तो 1 2 3 को 1 से कंपोज करूंगा तो 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 को 1 2 से कंपोज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आप इसमें से चेक कर सकते हैं, इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1 इन दैट, सो 1 goes to 1। ओके, फिर यहाँ पे 2 goes to 3 एंड 3 stays with 3, सो 2 goes to 3, और सेकेंडली यहाँ पे 3 goes to 1 एंड 1 goes to 2, सो 3 goes to 2। तो यहां पे ये एलिमेंट है आपका 2 3, तो ये यहां पे आ जाएगा 2 3, राइट। सो इसका ये एक और कोसेट है, एक और लेफ्ट कोसेट है। ओके, इसी तरह आप और मजीद इसके कोसेट्स फाइंड कर सकते हैं, सारे के सारे कोसेट आपको इस तरीके से मिल जाएंगे।
ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक और एलिमेंट लेना है, लेट्स से 1 2 लेंगे, तो 1 2 से जनरेट होने वाला कोसेट कौन सा होगा? आप इसमें 1 2 आएगा और 1 2 टाइम्स 1 2 आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? आपको बताया कि 1 2 टाइम्स 1 2 जो है वो आइडेंटिटी आएगा. ओके, सो ये आपके पास एक और कोसेट आ गया. मतलब ये कि ग्रुप में से एलिमेंट लेते जाएं, उनको मल्टीप्लाई करते जाएं एज के साथ, या जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो वो अप्लाई करें, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सेट्स हैं उनको हम कोसेट्स कहेंगे. राइट, सो आसान डेफिनेशन है, कोई इतनी इसमें मुश्किल बात नहीं है. कि जब भी आपके पास एक ग्रुप हो, उसका आप कोई सा सब ग्रुप ले लें, उस सब ग्रुप को आप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करें, तो उसके रिजल्ट में जो सेट्स आते हैं उन सेट्स को हम कहते हैं कि ये कोसेट्स हैं. ओके, अब हम इनको कोसेट्स कह रहे हैं, तो क्या सारे के सारे कोसेट्स जो हैं वो खुद सब ग्रुप्स होते हैं? अगर ऐसा केस हो कि सारे के सारे कोसेट्स जो हैं वो खुद सब ग्रुप्स भी हों, तो फिर हमें इनको कोसेट्स कहने की जरूरत नहीं है, गालिबन हमें इनको सब ग्रुप्स ही कहना चाहिए. अब क्या सारे के सारे कोसेट्स सब ग्रुप्स होते हैं? अब ये हमारा क्वेश्चन है. अब अगर आप इसको देखें 1 times h, तो ये तो h के इक्वल है, तो ये तो सब ग्रुप है क्योंकि h इटसेल्फ सब ग्रुप. अगर अब हम यहाँ पे इस सेकंड कोसेट को देखें, ये हमने कोसेट फाइंड किया सब ग्रुप h को, हमने कंपोज किया या मल्टीप्लाई किया 1 2 3 के साथ, एक एलिमेंट के साथ ग्रुप में से. इससे रिजल्ट होने वाला जो जो सेट है उसमें आ रहा है 1 2 3 और 2 3, क्या ये सब ग्रुप है? वेल ऑफ कोर्स ये सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है. स्टार्ट में अगर आप देखें तो, अगर किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा तो वो कभी भी सब ग्रुप नहीं बन सकता है. तो इसमें डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है, और हेंस ये जो सेट है, ये जो को सेट हमने जनरेट किया है एच को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करने से, ये हमारे पास एक सब ग्रुप नहीं है. तो इसका मतलब है क्लियरली जो कोसेट्स हैं वो सब ग्रुप्स नहीं होते हैं. कुछ केसेस में कोसेट सब ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोसेट सब ग्रुप नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो सब ग्रुप्स नहीं होंगे. राइट, तो इसीलिए हमें ये नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करने की जरूरत है. तो अब हमारे पास ये फैक्ट है. पहला फैक्ट क्या है? कोसेट्स आर नॉट नेसेसरली सब ग्रुप्स ऑफ जी. ओके, सो कोसेट जो है इन जनरल सब ग्रुप्स नहीं होते ग्रुप जी के. राइट, सो ये हमारे पास पहला इसके बारे में नोट है, फैक्ट है. और इसकी हमने एग्जांपल, एक काउंटर एग्जांपल इनफ होती है, तो आपको हमने एक काउंटर एग्जांपल मैंने बता दी कि जो कोसेट हमने डिफाइन किया लास्ट स्लाइड पे, उनमें से एक कोसेट जो है वो सब ग्रुप नहीं था, तो इसलिए कोसेट जो है वो सब ग्रुप्स नहीं होंगे इन जनरल. ओके, फिर सेकंड केस में सेकंड फैक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं कि नॉट एवरी लेफ्ट कोसेट इज अ राइट कोसेट. हमने लेफ्ट और राइट कोसेट की सेपरेट डेफिनेशन दी है. मतलब ग्रुप एलिमेंट्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या ग्रुप एलिमेंट्स को राइट से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों केसेस में हमने डिफरेंट लिखा है. एक को लेफ्ट कोसेट का है, एक को राइट कोसेट का है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट कोसेट, हर लेफ्ट कोसेट जरूरी नहीं है राइट कोसेट हो. ओके, अब इसकी एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, ग्रुप में फिर लेता हूँ S3, राइट, और मैं सब ग्रुप भी अपना वही रखता हूँ. एच जो है वो मैंने लिया है ऐसे 1 और 1 2. अब इसका एक कोसेट मैंने फाइंड किया था 1 2 3 टाइम्स एच जो है वो अगर मैं देखूँ तो वह आपके पास आ जाएगा 1 2 3, और गालिबन ये आया था 2 3. ओके, अब इसी को मैं अगर 1 2 3 को राइट से मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट एलिमेंट तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट से करूं राइट से करूं तो एलिमेंट वही वापस आ जाएगा. लेकिन अगर हम इसको 1 2 को 1 2 3 से राइट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 times 1 2 3, देखते हैं शायद वही एलिमेंट आ जाए. लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं इसको. अब मेरे पास है 1 2 times 1 2 3, इसको अगर मैं करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 goes to 2, इन इसमें फर्स्ट वाली में 1 goes to 2 और सेकंड वाली में 2 goes to 3, सो 1 goes to 3. ठीक है, अब
यहाँ पे टू गोज टू वन और इसमें वन गोज टू टू, सो टू गोज टू टू और थ्री गोज टू वन, या ठीक है, फर्स्ट में थ्री गोज टू थ्री और सेकंड में थ्री गोज टू वन, तो ये आपके पास एलिमेंट आ गया वन थ्री। अब इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट आ रहे हैं वन टू थ्री और वन थ्री। ओके, सो एलिमेंट वन थ्री तो टू थ्री के इक्वल नहीं है, ये दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। वन टू थ्री और वन टू थ्री, एक एलिमेंट तो दोनों सेट्स का सेम है लेकिन एक एलिमेंट जो है दोनों सेट में डिफरेंट है, इसका मतलब है ये दोनों सेट्स आपस में सेम नहीं हो सकते, राइट? तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि वन टू थ्री टाइम्स एच जो है एच टाइम्स वन टू थ्री के इक्वल नहीं है। तो इसका इसका क्लियरली मतलब ये है कि हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट नहीं होता है, हर लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट नहीं होता है। इसकी मजीद अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब ये कुछ केसेस में ये ट्रू भी होता है कि हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट होता है, और कुछ केसेस में ये ट्रू नहीं होता है। जैसे आप अगर जेड की एग्जांपल लें तो जेड की एग्जांपल में आपने टू जेड अगर उसका सब ग्रुप लिया है, एज जो है वो टू जेड है। अब इसके आप एक लेफ्ट कोसेट अगर फाइंड करें वन प्लस टू जेड, तो वो आपने फाइंड किया था कि ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास लेफ्ट कोसेट आ गया। अगर इसी का मैं राइट कोसेट बनाना चाहूँ टू जेड प्लस वन, तो वो क्या आ जाएगा, वो भी ये आ जाएगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में वन प्लस टू जेड जो है वो टू जेड प्लस वन के इक्वल है। ओके, इसका मतलब है समटाइम्स लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है, समटाइम्स लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल नहीं होता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक कि हम ये फाइंड करें कि किन ग्रुप्स के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है और किन ग्रुप्स में लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल नहीं होता है। ओके, सो हमारे पास ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि इफ G is an abelian group, if G is an abelian group, then every left coset coset of G is also a right coset. अगर हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप हो तो उसका हर लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट भी होगा। ओके, सो अब इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम कैसे प्रूव करेंगे? अब हमारे पास एक ग्रुप है, लेट्स से लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब इसका एक सब ग्रुप भी चाहिए एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी एक अबिलियन ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप है कोई सा। अब इसका अगर लेफ्ट कोसेट में डिफाइन करूं तो ए एच जो है वो होगा ए टाइम्स एच, ए ग्रुप का एलिमेंट है और एच जो है वो सब ग्रुप का एलिमेंट है मैं आ रहे। ओके, अब अगर मैं इसमें ये देखूं तो यहां पे क्लियरली हो जाएगा ए और एक एलिमेंट है ग्रुप का, एच एक सब ग्रुप का एलिमेंट है। अगर ये दोनों ग्रुप्स के भी तो एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप जो है वो ग्रुप में से ही आ रहा है, ग्रुप का एक सबसेट है, तो ये दोनों एक्चुअल में ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास ग्रुप अबिलियन होगा तो आपके पास ये ट्रू है कि जी एक अबिलियन ग्रुप है, राइट? सो इसका मतलब ये है कि जी वन टाइम्स जी टू इज इक्वल टू जी टू टाइम्स जी वन, राइट? सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। तो ए और एच भी तो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी ट्रू है कि एच टाइम्स ए, ए टाइम्स एच जो है वह एच टाइम्स ए के इक्वल होगा क्योंकि बिकॉज जी इज अ बिलियन। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अब ये सेट हमारे पास बन जाएगा एच टाइम्स ए
such that A is an element of the group and H is an element from the subgroup. तो इसका मतलब है ये इक्वल है H टाइम्स A के. तो ये बहुत आसान और इजी कॉन्सिक्वेंस है कि अगर अबिलियन ग्रुप होगा तो उसके केस में हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट होगा. जैसे आपके पास Z है तो Z एक अबिलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप है. तो इसका मतलब ये है कि उसके सारे लेफ्ट कोसेट्स को राइट कोसेट होना चाहिए. लेकिन आपके पास एस थ्री जो है वो एक अबिलियन ग्रुप नहीं है तो उस केस में सारे लेफ्ट कोसेट जो हैं वो राइट कोसेट के इक्वल नहीं होंगे. कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं होंगे. ओके तो जैसे आपने ये देखा एस थ्री के केस में मैंने आपको एक कोसेट की एग्जांपल दी जो अपने राइट कोसेट के इक्वल नहीं था, एक लेफ्ट कोसेट की एग्जांपल दी जो अपने राइट कोसेट के इक्वल नहीं था. लेकिन जेड के केस में हमने देखा कि हमने एक लेफ्ट कोसेट लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट लिया, दोनों आपस में इक्वल थे. तो जेड के सारे लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल हैं लेकिन एस थ्री के अंदर लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. ओके तो नॉन अबिलियन ग्रुप्स के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल यूजली नहीं होते हैं. ओके अब हमारे पास नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कोसेट्स के कॉन्सेप्ट से काफ़ी रिलेटेड है. अब हमने ये कहा कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल कब होगा, उसकी एक कंडीशन दे दी हमने कि जब जी जो है वो अबिलियन ग्रुप होगा. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जो अबिलियन ना हों लेकिन उनके कुछ सब ग्रुप्स, कुछ स्पेशल सब ग्रुप्स हों जिनके लिए लेफ्ट कोसेट जो हैं वो राइट कोसेट्स के इक्वल हों. तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. अब हम बात करें नॉर्मल सब ग्रुप्स की. सब ग्रुप्स है हमारे पास, एक ग्रुप है जी, उसका एक सब ग्रुप है लेट्स से एन. उस सब ग्रुप को मैं नॉर्मल कहूंगा. अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल इफ ए टाइम्स एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए फॉर ऑल ए इन जी. राइट. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक सब ग्रुप किसी भी ग्रुप जी का नॉर्मल होगा अगर उसका लेफ्ट कोसेट हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल हो. एक सब ग्रुप जो है किसी भी ग्रुप जी का नॉर्मल होगा अगर उसका हर लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट के इक्वल हो. ओके नॉर्मल सब ग्रुप्स में लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट्स के इक्वल हैं. अच्छा अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि ए टाइम्स एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए फॉर ऑल ए इन जी. राइट. इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि a टाइम्स n टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू n फॉर ऑल a इन g. ओके इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर आप ग्रुप में से एलिमेंट्स ले उनको n के साथ मल्टीप्लाई करें, एक साइड पे ग्रुप एलिमेंट दूसरी साइड पे इनवर्स ऑफ एलिमेंट, तो n चेंज नहीं होता है. राइट. n चेंज नहीं होता है. तो ये एन की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसमें आप ग्रुप एलिमेंट्स को किसी भी ग्रुप एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट से ए से और उसी के इनवर्स से राइट साइड से, तो आपके पास ग्रुप जो है वो चेंज नहीं होता है. राइट. ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप जो है ये फिक्स रहता है. अब ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट से ए से और राइट से ए इनवर्स से, ये ग्रुप के ऊपर एक बहुत फंडामेंटल ऑपरेशन है. इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑपरेशन. इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे. इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑपरेशन है ये. राइट. तो हम इसको जब आप किसी स्टेज पे जाके दोबारा इन डेप्थ ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि हमने ये कहा है कि ये जो ग्रुप नॉर्मल होगा अगर वो फिक्स रहे अंडर कॉन्जुगेट ऑपरेशन, यानी कॉन्जुगेट ऑपरेशन के अंडर उसमें कोई भी चेंज ना आ रही हो तो उसको, उस ग्रुप को हम कहते हैं वो ग्रुप नॉर्मल है. अब ये कॉन्जुगेट का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मज़ीद आगे जाके आपको ये मिलेगा कि ये कॉन्जुगेट का जो ऑपरेशन है ये इक्वलेंस रिलेशन है. इससे हम कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाते हैं जो ग्रुप को डिवाइड करती हैं स्मॉलर पार्ट्स में, और जो ग्रुप है वो कॉन्जुगेसी क्लासेस की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. और दो ग्रुप्स की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं कोई सी दो, वो आपस में डिसजॉइंट होती हैं, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं होता है. राइट. तो इस तरह की बहुत सी बातें जो है कॉन्जुगेट के बारे में नोन है. लेकिन हम नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करें और इसी की एक
डिस्कशन एक डायरेक्शन में करके हम अपना ग्रुप थ्योरी का पोर्शन बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम बाकी डायरेक्शंस में नहीं जा रहे। अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन में चले जाएं तो हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स ग्रुप थ्योरी का डिज़ाइन किया जा सकता है उस डायरेक्शन में। जैसे फाइनाइट ग्रुप्स की अगर डायरेक्शन लेंगे तो उसके अंदर आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर भी आप एक कंप्लीट कोर्स की बात कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी डायरेक्शंस हैं इसमें जिसमें आप जा सकते हैं ग्रुप थ्योरी में। अब आपने ये बात की कि ग्रुप नॉर्मल कब होगा, सब ग्रुप नॉर्मल कब होगा, अगर आपके पास उसका हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल हो। किसी भी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप नॉर्मल होगा अगर आपके पास उसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो। अब ग्रुप अबिलियन है तो उसका तो हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, तो इसका काइंड ऑफ मतलब ये है कि उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। इस स्टेटमेंट को मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव करता हूँ, लेकिन ये नॉन अबिलियन ग्रुप्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट। इसका ये मतलब है कि नॉन अबिलियन ग्रुप्स में भी ये पॉसिबल है कि कुछ सब ग्रुप्स आप फाइंड करें, नॉन अबिलियन ग्रुप्स में ये पॉसिबल है कि आप कुछ सब ग्रुप्स फाइंड करें जो जिनके लिए हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ग्रुप नॉन अबिलियन हो गया तो उसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉसिबल है कि आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप्स के ऐसे सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम करने की कोशिश करें तो मेरे पास ग्रुप है S3, राइट। ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये हमारे पास फर्स्ट नॉन अबिलियन ग्रुप की एग्जाम्पल है, इसलिए हम बार बार इसकी बात करते हैं। एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, ओके। अब इसका मैं एक सब ग्रुप लेता हूं, लेट्स से मैं सब ग्रुप लेता हूं A3। एज जो है वो मेरे पास है A3, वो उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1, 1, 2, 3 और 1, 3, 2, ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। तो ये आपके पास सब ग्रुप आ गया S3 का। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है, ओके। ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं, ओके। तो अगर तो ये सब ग्रुप नॉर्मल है तो अगर मैं ग्रुप में से एलिमेंट्स लूँ तो उनके लिए लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूँ जैसे 1 times H, तो आपके पास H ही आ जाएगा, और इसी तरह ये इक्वल होगा H times 1 के, राइट। सो आइडेंटिटी के केस में तो हमेशा लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट के इक्वल होगा। अब इसके अलावा कोई एलिमेंट अगर मैं लेके देखूँ इसमें से, तो लेट्स से मैं 1, 2, 3 लेता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट, तो 1, 2, 3 times H क्या होगा, ओके। सो 1, 2, 3 times 1 जो है वो 1, 2, 3 आ जाएगा, ओके। 1, 2, 3 times 1, 2, 3 आपको पता है ये आपके पास होगा 1, 3, 2 के इक्वल, और 1, 2, 3 times 1, 3, 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास H के इक्वल आ गया। अब इसी तरह अगर आप करें H times 1, 2, 3, तो वो भी आप इसको चेक करें कि वो आएगा 1, 2, 3, 1, 3, 2 और 1, ओके, राइट। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूं, लेट्स से 1, 2 की, 1, 2 times H, सो 1, 2 times H जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट ऊपर वाली, ये 1, 3, 2 के लिए भी होल्ड करती है। सो 1, 3, 2 times H इज इक्वल टू H times 1, 3, 2, ओके। अब 1, 2 times H की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा 1, 2 times 1, 1, 2 आ जाएगा, ओके। 1, 2 times 1, 2, 3 क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 goes to 2 और सेकेंड वाले में 2 goes to 3, सो 1 goes to 3,
और टू गोज टू वन, और सेकेंड वाले में वन गोज टू टू, सो टू गोज टू टू, और इसी तरह थ्री गोज टू वन, सो ये वन थ्री के इक्वल है। ओके, यहाँ पे वन थ्री आएगा। अब इसके अलावा क्या आएगा, वन टू टाइम्स आपने वन थ्री टू भी करना है, सो वन टू टाइम्स वन थ्री टू, ये आपके पास आ जाएगा वन गोज टू टू, और सेकेंड वाले में टू गोज टू वन, सो वन गोज टू वन, राइट। और इसके बाद आएगा टू गोज टू वन हेयर, और यहाँ पे वन गोज टू थ्री, सो टू गोज टू थ्री, और थ्री गोज टू टू, सो ये आपके पास आ जाएगा टू थ्री। ओके, अब ऑफ कोर्स ये एच के इक्वल नहीं है। अब अगर आपने एच टाइम्स वन टू करना हो, तो एच टाइम्स वन टू क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा यहाँ पे फिर कुछ मजीद कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको, तो एच टाइम्स वन टू हो जाएगा वन टू इसमें आएगा, फिर वन टू थ्री टाइम्स वन टू क्या आएगा, वन टू थ्री टाइम्स वन टू, इसको आप करके देखें, ये आपके पास आ जाएगा वन गोज टू टू और टू गोज टू वन इन दिस केस, सो वन गोज टू वन, और फिर आपके पास आ जाएगा टू गोज टू थ्री और थ्री गोज टू थ्री, सो टू गोज टू थ्री और थ्री गोज टू टू, सो इसमें आ जाएगा आपके पास टू थ्री। और अगर आप करेंगे वन थ्री टू टाइम्स वन टू, तो वो आपके पास आ जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, वो आपके पास आ जाएगा वन थ्री, सो यहाँ पे आपके पास वन थ्री आ गया। अब अगेन ये दोनों सेट्स भी इक्वल हैं, ये दोनों सेट्स भी इक्वल हैं, और यहाँ पे ये दोनों सेट्स भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट्स के लिए मैंने इसको लेके चेक किया, तो मेरे पास लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल आ रहा है। तो एच जो है, अब ये बाकी जो दो एलिमेंट्स रह गए उनको आप लेके खुद चेक कीजिएगा, एच जो ए थ्री है, जो अल्टरनेटिंग सब ग्रुप है इसका, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। ऑल्दो S3 जो है वो अबिलियन ग्रुप नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड किया है। S3 खुद अबिलियन नहीं है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड किया है A3, जिसके लिए हर लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट के इक्वल है। तो इसलिए जो नॉन अबिलियन ग्रुप हैं उसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि हमने ये पता है कि जो अबिलियन ग्रुप्स हैं उनके लिए हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, लेकिन नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो हैं उनके लिए ये नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हैं ग्रुप जी के, वो उन मतलब सब ग्रुप्स को नॉर्मल कहेंगे अगर हम हमारे पास लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है। तो नॉन अबिलियन ग्रुप्स के केस में भी हम कुछ नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं ग्रुप के। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अबिलियन ग्रुप्स के लिए एग्जिस्ट करें, वो नॉन अबिलियन ग्रुप्स के लिए ही भी एग्जिस्ट करते हैं, और यही हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। तो हम अब हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात की, और हमारे पास ग्रुप ओरिजिनल ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप था। ओके, तो उसके लिए हमने एक सब ग्रुप फाइंड किया ए थ्री, जो हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसके लिए हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो ग्रुप जी का अबिलियन पार्ट है, राइट। अब ये थोड़ी सी वेग स्टेटमेंट है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को आप अगर थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो आपको आपको ये मिलेगा कि आपके पास एक ग्रुप है जो खुद नॉन अबिलियन है, खुद नॉन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन ही हो। ये पॉसिबल हो सकता है कि उसके अंदर से आप कोई सब ग्रुप फाइंड करें जो खुद अबिलियन सब ग्रुप हो, राइट। अब मैंने आपको ये बार बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि ग्रुप का अबिलियन होना एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ग्रुप की। ये हम रियल लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास चीजें जो हैं वो अबिलियन हो, कॉम्यूटेटिव हो। अब जो ग्रुप हैं जब नॉन अबिलियन हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा शायद नंबर्स के केस में फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा अननेचुरल
फिनोमेना लगता है। तो अगर ग्रुप इटसेल्फ नॉन अबिलियन हो जाए तो क्या हम उसमें से हमें कोई ऐसा सब ग्रुप मिल सकता है कि वो खुद अबिलियन हो? तो आप इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो अबिलियन पार्ट्स हैं ग्रुप नॉन अबिलियन ग्रुप्स के। तो नॉन अबिलियन ग्रुप्स में से अगर आपने अबिलियन पार्ट निकालना हो तो आप कहेंगे कि ये लेट्स से आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हैं वो ऑफ कोर्स अबिलियन ग्रुप्स होते हैं। राइट, सो नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हैं वो ग्रुप जी का अबिलियन पार्ट है। ओके, ग्रुप जी का अबिलियन पार्ट है, आप इसको कह सकते हैं। राइट, ओके, अब आपको अभी मैंने स्टेटमेंट दी कि जो अबिलियन ग्रुप्स हैं उनके लिए हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये इसकी भी अब सेंस ज्यादा बनती है कि अब जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो अबिलियन पार्ट है ग्रुप जी का। अगर आप उसमें से ग्रुप इटसेल्फ खुद ही अबिलियन है तो उसका आप कोई सब ग्रुप लेंगे तो वो भी तो अबिलियन होगा, तो इन हैंस वो नॉर्मल भी होगा। तो अब इसको हम इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रूव करते हैं। राइट, तो अगर आपके पास, अभी मैंने स्टेटमेंट दी कि अगर आपके पास अबिलियन ग्रुप हो तो उसका सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल होंगे। अब अगर इसको प्रूव करना चाहें आप तो इसका प्रूफ भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, आपके पास ग्रुप जी जो है वो अबिलियन है और आप ले लें लेट्स से एन बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो एन आपके पास कोई सब ग्रुप है, ग्रुप जी जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है। तो अब आपने अगर ये देखना हो कि आप कोई एलिमेंट लें ग्रुप जी में से, आप उसको मल्टीप्लाई करें एन के साथ, सो जी टाइम्स एन, और मे बी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जी टाइम्स एन टाइम्स जी इनवर्स। राइट, अब ये किसके इक्वल है? अब ये एन जो है वो एक सब ग्रुप है अबिलियन ग्रुप का। राइट, सो एन अबिलियन ग्रुप का एक सब ग्रुप है। तो इसके लिए अगर आप एन में से कोई एलिमेंट लें लेट्स से, तो अगर मैं इसको एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करूं तो अगर एच एलिमेंट है एन का तो मेरे पास आ जाएगा जी एच जी इनवर्स। ओके, अब जी और एच जो हैं वो ग्रुप के भी एलिमेंट्स हैं। राइट, एच एन का एलिमेंट्स है एग्री, लेकिन एन एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो एच जो है वो ग्रुप का भी एलिमेंट है तो ग्रुप कॉमटेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी टाइम्स एच जो है वो एच टाइम्स जी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ एच जी जी इनवर्स। अब जी टाइम्स जी इनवर्स जो है ये किसके इक्वल होता है? जी टाइम्स जी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। इसका मतलब है ये सारा कुछ एच के इक्वल आ गया। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि जी एच जी इनवर्स जो है वो एच के इक्वल है फॉर ऑल जी इन जी एंड फॉर ऑल एच इन एन। तो इसका ये क्लियरली मतलब है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि जी एन जी इनवर्स जो है वो एन के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि जी एन जो है वो एन जी के इक्वल है। तो अगर आपके पास अबिलियन ग्रुप हो तो उसका हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा। राइट, तो अगर आपके पास कोई सा अबिलियन ग्रुप है उसके हर सब ग्रुप जो है नॉर्मल होगा। नॉर्मल सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट जो है नॉन अबिलियन ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मैंने आपको एक थोड़ी सी इंट्यूशन दी कि अगर आपके पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो एक अबिलियन पार्ट है उस ग्रुप का। राइट, एक ग्रुप के एक से ज़्यादा नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं और वो सारे के सारे अबिलियन पार्ट हैं। वो पार्ट्स हैं जो मिलके अबिलियन सब ग्रुप्स बनते हैं ग्रुप जी के। ओके, तो एक ग्रुप के एक से ज़्यादा नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं। ओके, अब आपने कोसेट का कॉन्सेप्ट देख लिया, नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट देख लिया। कोसेट अगर आपने लिया है उसी से हम एक्सटेंड कर रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप के कॉन्सेप्ट को। हमने ये क्वेश्चन किया था कि कब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है, तो जब ग्रुप नॉर्मल होगा, सब ग्रुप नॉर्मल होगा, तो उसका हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करें फिर लेफ्ट राइट कोसेट की बात करने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट ले लें या राइट ले लें वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो किसी एक की बात कर लें। ओके, अब हमने कोसेट्स डिफाइन किए ग्रुप के लिए,
और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए बी ऑफ कोर्स फिर कोसेट डिफाइन कर सकते हैं, हमने किया अभी कि ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप है उसके सारे के सारे कोसेट्स आप लिख सकते हैं आपके पास, उसको ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना। जस्ट डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप लेफ्ट और कोसेट लिखने राइट कोसेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लेफ्ट कोसेट्स की अगर बात करेंगे तो राइट कोसेट्स की भी डिस्कशन उसी में ही आ जाएगी। ओके तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट, नया सेट, नया ग्रुप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कह रहे हैं क्वेश्चन ग्रुप है। एक नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं हम किसी ग्रुप जी का, और हम ये नया एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, इसको मैंने लिखा है जी कोशेंट एन से, जी कोशेंट एन, एन नॉर्मल सब ग्रुप है, जी कोई सा एक ग्रुप है। तो मैं जी कोशेंट एन से जो ग्रुप डिनोट कर रहा हूँ उसमें क्या आ रहा है, ए टाइम्स एन मैं लिख रहा हूँ, ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर मैं सारे के सारे लेफ्ट को सेट्स रख रहा हूँ जो मैं नॉर्मल सब ग्रुप एन से मुझे मिल रहे हैं, और इसका यह भी मतलब हुआ कि इस सेट के अंदर मैं सारे के सारे राइट कोसेट्स रख रहा हूँ जो नॉर्मल सब ग्रुप से मिल रहे हैं। तो बेसिकली इस जी कोशेंट एन में मैंने सारे के सारे सब कोसेट्स रखे हैं नॉर्मल सब ग्रुप से जो हमें मिल रहे हैं, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट एक ही चीज़ है, सारे के सारे कोसेट्स इसमें मौजूद हैं। तो जी कोशेंट एन जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे उसमें क्या हो रहा है, उसमें सारे के सारे कोसेट्स लिखे हुए हैं ग्रुप जी के और नॉर्मल सब ग्रुप एन के, राइट। तो अब अगर आपने आपके पास ग्रुप है लेट्स से जेड, उसका नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता है क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे सारे के सारे ग्रुप्स। सो लेट्स से एन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एन को मैं टू जेड ले लेता हूँ, ओके राइट। अब जेड ओवर टू जेड आपने फाइंड करना है, तो जेड ओवर टू जेड, तो इसके अंदर सारे के सारे कोसेट्स मैं लिखूंगा, तो जीरो प्लस टू जेड फॉर एग्जांपल इसमें आएगा, अब वन प्लस टू जेड भी इसमें आएगा, ये दो कोसेट्स फाइंड किया, फिर मे बी टू प्लस टू जेड भी आएगा, थ्री प्लस थ्री जेड भी आएगा, फोर प्लस टू जेड भी आएगा, लेकिन हमें ये दोनों एलिमेंट्स के सेट तो पता हैं, बाकी हम देखते हैं कि वो क्या सेट्स आ रहे हैं, कोई डिफरेंट सेट्स आ रहे हैं क्या, सेम सेट्स आ रहे हैं। तो 0 प्लस टू जेड जो है वो तो आपको पता है ये 2z के इक्वल है, बेसिकली इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। फिर आपके पास 1 प्लस टू जेड है तो उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 आ रहा है, प्लस माइनस 3 आ रहा है, प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन। ओके अब अगर आप 2 प्लस टू जेड करें तो उसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, उसमें ऑफ कोर्स आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा अप टू सो ऑन। फिर आपके पास माइनस 2 है उसमें 2 ऐड करेंगे तो 0 भी आएगा, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, फिर माइनस 4 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2 भी आएगा, सो प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये तो खुद 2z के इक्वल आ गया। फिर अगर आप 3z 3 प्लस 2z करेंगे तो वो आप देखेंगे वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2z के। इसी तरह आप अगर एलिमेंट्स चेंज करते जाएंगे तो इवन के लिए आपके पास 2z के इक्वल आ जाएंगे सारे सेट्स कोसेट्स, और अगर आप ऑड लेंगे तो उसके लिए 1 प्लस 2z के इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब है आपके पास z और 2z के अंदर दो ही लेफ्ट कोसेट्स हैं, दो ही टोटल कोसेट्स हैं इसके अंदर, इसके अलावा इसके कोई कोसेट्स डिफरेंट कोसेट्स मौजूद नहीं है। तो इस सेट के अंदर मैंने सारे के सारे कोसेट्स लिखने हैं तो इस सेट के अंदर ये दोनों कोसेट्स मैं लिख दूंगा, तो z ओवर 2z के अंदर ये दोनों कोसेट्स मेरे पास आ रहे हैं। ओके अब इसके इस सेट के अंदर मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने जस्ट लिख देने हैं, तो मेरे पास कोशेंट सेट बन जाएगा। नॉर्मल सब ग्रुप है, ग्रुप G है, उसके G ओवर N कोशेंट, G कोशेंट N लिखने का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर मैंने सारे के सारे कोसेट्स लिख देने हैं नॉर्मल सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे मिल रहे हैं। ओके सो अब लेट्स से हम लेते हैं ग्रुप आपके पास है S3,
और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लेना है, तो लेट्स से नॉर्मल सब ग्रुप हमें पता है कि A3 एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप है. ओके अब ये n जो है हमें मिल गया A3 एक नॉर्मल सब ग्रुप. अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ G ओवर n क्या होगा. अब G ओवर n में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें n तो आएगा. ये हमने फाइंड किया है कि अगर इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा. फिर इसके अलावा अगर ग्रुप एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें कुछ मजीद इसके कोसेट्स मिले थे. वो कोसेट्स किस तरह के थे, आपके पास जो n है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. इसका एक और कोसेट हमें मिला था, वो कोसेट था लेट्स से 1 2 टाइम्स n. उसके अंदर मेरे पास ये एलिमेंट्स आए थे, 1 2 आया था, 1 3 आया था और 2 3 आया था. ठीक है, अब ये मेरे पास एक और कोसेट है इसका. ओके, क्या इसका इसके अलावा कोई कोसेट है? वेल, ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इसके अलावा जो है इस नॉर्मल सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग S3 का कोई भी और कोसेट मौजूद नहीं है. तो ये इस सेट के अंदर यही दो कोसेट्स आएंगे. ओके, तो अब मतलब किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, आपने G ओवर N में क्या रखना है, उसके तमाम कोसेट्स, राइट. सो G ओवर N कैसा सेट है? G ओवर N है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, लेफ्ट या राइट, कोई सी नोटेशन यूज करें. नॉर्मल सब ग्रुप है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम होगा. तो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप n in G, ठीक है. नॉर्मल सब ग्रुप n के सारे कोसेट्स जितने भी आपके पास आएंगे उनको आप एक सेट के अंदर रख दें तो आपके पास एक क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा. ओके, तो आपने क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करना है. उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसके अंदर आपने सारे के सारे कोसेट्स रखने हैं नॉर्मल सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप G में आपके पास आ रहे होंगे. ओके, अब ये आपने एक नया सेट डिफाइन कर दिया. सेट्स आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, कोसेट आपने डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद जी कोशेंट एन का जो सेट है वो भी आपने डिफाइन कर दिया. अब इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ एक ग्रुप. हमने जब भी एक ग्रुप डिफाइन करना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेट और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है. फिर उसको कुछ कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास वो सेट जो है वो एक ग्रुप बनेगा या सब ग्रुप बनेगा. जो भी आपके पास मजीद कॉन्सेप्ट हैं उसमें बात कर सकते हैं आप. जी कोशेंट एन आपके पास एक सेट मिल गया, एक नया सेट है, पहले हमने इसको नहीं देखा कभी. तो ये नया सेट जो हमने डिफाइन किया है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक ग्रुप बनाएं हम. अब इसको ग्रुप बनाने के लिए इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए मुझे. अब वो बाइनरी ऑपरेशन मैं कैसे डिफाइन करूँगा? वो बाइनरी ऑपरेशन मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए हैं जी कोशेंट एन में. जी कोशेंट एन में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर कोसेट्स पड़े हुए हैं, राइट. तो इनमें से कोसेट्स अगर मैं उठाऊं तो जी कोशेंट एन में से कोसेट किस तरह का आएगा? ए टाइम्स एन और बी टाइम्स एन. ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है. तो ए टाइम्स एन एक कोसेट है, बी टाइम्स एन एक और कोसेट है ग्रुप ए जी का, या सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप एन का ग्रुप जी के अंदर. ओके, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ. मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? आपने मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर दें और एन को एज इट इज फिक्स रख दें. सो ए टाइम्स एन, ए एन टाइम्स बी एन जो है वो ए बी टाइम्स एन के इक्वल है. तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक मैंने डिफाइन किया है जी कोशेंट एन के ऊपर. इसमें दो एलिमेंट्स, ये बाइनरी ऑपरेशन है, दो एलिमेंट्स ले रहा है जी कोशेंट एन में से और उनको असाइन कर रहा है एक और एलिमेंट जी कोशेंट एन में से. सो ए और बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो जी जो है ग्रुप है ऑफकोर्स, राइट. सो ए बी जो है वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा. तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक कोसेट है, ये भी एक कोसेट है और ये भी क्लियरली एक कोसेट है क्योंकि ए बी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है. तो कोसेट के लिए हमें यही चाहिए होता है कि ग्रुप का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दी सब ग्रुप. ओके, तो दो हमने कोसेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमें रिजल्ट में भी एक और कोसेट ही मिल गया. तो यही हम चाह रहे थे कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करें जी कोशेंट एन के ऊपर
जिसमें आप दो कोसेट्स को लें, उनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट भी एक कोसेट आए, राइट। ओके, तो ये कोसेट यूनिक भी होना चाहिए। इसमें आप सबसे पहला जो हम फैक्ट एज अ फैक्ट इसको यूज करेंगे, इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम इस कोर्स में इसको स्किप करेंगे। आपको जब नोट्स होपफुली जब मिलेंगे तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने डिफाइन किया है ये वेल डिफाइंड है, राइट। ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ऊपर मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बाइनरी ऑपरेशन है, डेफिनेटली एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो अब मेरे पास एक सेट है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन कर दिया। मैं ये क्वेश्चन अब कर सकता हूँ कि क्या ये मेरा ये जो सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर एक ग्रुप बनाता है या नहीं। जी क्वेश्चन एन मेरा सेट है, मेरे पास उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया ऊपर। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ये जो सेट है इसके ऊपर ये कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं लूँ तो क्या ये एक ग्रुप बनेगा या नहीं। मतलब ये कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ग्रुप की या नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आज के लेक्चर के लिए। इसको आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप ना कर सकें तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली इसको करूँगा। कि जी क्वेश्चन एन मेरा सेट है, उसके अंदर सारे के सारे को सेट्स मैंने रखे हैं, राइट। और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है जो आपको इसी स्लाइड के ऊपर ऊपर मिलेगा। आपने एक सेट है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये सेंस बनती है कि सेट भी हो बाइनरी ऑपरेशन भी हो तो हम ये ऑफकोर्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर अब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं और इसको आप ट्राई कीजिएगा। आपने तीन प्रॉपर्टीज ही तो सेटिस्फाई करनी है, कि आपने ये चेक करना है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती हैं या नहीं। अगर होल्ड करती हैं तो ये ग्रुप बनेगा, अगर नहीं होल्ड करती तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, तो आज की डिस्कशन को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और आपको आज का लेक्चर समराइज करके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन ग्रुप को थोड़ा सा मजीद स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। और फिर एक दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्वेश्चन ग्रुप्स के ऊपर और होमोमॉर्फिज्म्स के ऊपर हम डिफाइन करके इंशाल्लाह ग्रुप थ्योरी का जो अपना पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज कर देंगे। और फिर हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी कोर्स आउटलाइन में रिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम जो हमारे रिमेनिंग 4-5 लेक्चर रह गए उसको करके और तो इंशाल्लाह हम अपना कोर्स जो है वो फिनिश कर देंगे इन टाइम। ओके, तो आज के कोर्स में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने क्या किया। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने ऑफ कोर्स डिस्कशन स्टार्ट की आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, दोबारा मैंने आपको थोड़ा सा बताया। फिर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं और कुछ ग्रुप्स जो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं वो ग्रुप्स क्या होते हैं और कैसे हम शो करते हैं कि दो ग्रुप्स नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। फिर हमने डिस्कशन आगे स्टार्ट की कोसेट के ऊपर। हमने कहा कि आपके पास एक ग्रुप जी है, उसका एक सब ग्रुप है, कोई सा सब ग्रुप एच है। तो ग्रुप जी है, आपका सब ग्रुप है एच, राइट। तो अगर आपने इसका कोसेट डिफाइन करना है तो आप कहेंगे ए टाइम्स एच, जो कि ऑफ कोर्स होगा फिर ए एच सच दैट ए जो है वो एलिमेंट है ग्रुप का और एच जो है वो एलिमेंट है सब ग्रुप का। तो ए टाइम्स एच आपने किया, आप बेसिकली यहाँ मतलब ये है कि आपने सब ग्रुप लिया उसको ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएं, उससे जो आपके पास सेट्स जनरेट होंगे उनको हम कोसेट्स कहते हैं। अगर ग्रुप एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट कोसेट आएगा, राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट कोसेट आएगा, राइट। तो कोई भी सब ग्रुप हो उसको ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से जो सेट आते हैं उनको हम कोसेट्स कहते हैं। हर कोसेट सब ग्रुप नहीं होता, ये हमने प्रूव किया। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी इस सब ग्रुप्स की और ग्रुप्स की, उनके लिए हमने कोसेट्स बनाए। और फिर हमने कहा कि अबिलियन ग्रुप होगा तो उसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होगा। ओके, तो फिर अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो उसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होने का क्या कोई चांस है। फिर उसमें हमने देखा कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन हो उसका एक स्पेशल अगर आप सब ग्रुप लें तो उसके अंदर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो सकता है। फिर हमने उस स्पेशल सब ग्रुप को डिफाइन किया, उसको हमने कहा कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है,
एक सब ग्रुप किसी ग्रुप जी का नॉर्मल उसको कहेंगे अगर उसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो, राइट। तो अब हमने फिर देखा कि नॉन बिलियन ग्रुप्स के केस में नॉर्मल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी ऐसे सब ग्रुप्स एग्जिस्ट जरूर करते हैं जिनके केस में हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी और इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर ग्रुप अ बिलियन होगा तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा, राइट। क्योंकि ग्रुप्स अ बिलियन ग्रुप्स के केस में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है, राइट। अब हमारे पास ग्रुप है उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, कोसेट्स का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सब ग्रुप है, हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है। तो फिर हमने कहा एक नया सेट डिफाइन किया जिसको हमने कहा कि जी आपके पास ग्रुप है और एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। फिर हमने एक नया सेट डिफाइन किया जिसको मैंने कहा जी कोशेंट एन, जी कोशेंट एन को मैंने कहा कि ये सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एन इन जी, ठीक है। जी कोशेंट एन में मैंने सारे के सारे कोसेट्स रखे नॉर्मल सब ग्रुप के, लेफ्ट या राइट दोनों, राइट, क्योंकि लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल हैं, ओके। तो जी कोशेंट एन में मैंने रखे सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एन इन जी, राइट। अब ये मेरे पास एक सेट है, एक नया सेट मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें सारे के सारे लेफ्ट या राइट कोसेट्स मैंने रखे हैं नॉर्मल सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। अब इस सेट के अगर एक मैं ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइन कर दूं, इस सेट के ऊपर अगर मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन मुझे मिल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सब ग्रुप मे बी एक ग्रुप बन जाए, सॉरी ये सब ये जो नया सेट मैंने डिफाइन किया है ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाए। तो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए मैंने ये किया कि दो एलिमेंट्स लिए मैंने ए एन और बी एन जी कोशेंट एन में से, ए एन और बी एन दो एलिमेंट्स लिए जी कोशेंट एन में से, इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ए एन टाइम्स बी एन, तो इसको मैंने इक्वल कहा कि ये होगा इक्वल ए बी टाइम्स एन के। ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है और ऑफ कोर्स फिर ए बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा क्योंकि जी ग्रुप है, उसमें दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपको अगेन ग्रुप का एक एलिमेंट मिल जाएगा। आपके पास एक सेट है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन कर दिया है, फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि क्या ये सेट अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एक ग्रुप बनाएगा या नहीं। तो इसको मैंने आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ा है, इसको ट्राई कीजिएगा, होपफुली ये आप कर सकेंगे, अगर नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके चलूंगा कि कोशेंट ग्रुप जो है वो हमारे पास कोशेंट सेट जो है वो ग्रुप बनता है या नहीं, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक दो बहुत नाइस रिजल्ट्स देख के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम मॉर्फिज्म के साथ इसका रिलेशन देख के इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना ग्रुप थ्योरी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।